प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ में घर पर सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने कल क्लाइमेट चैप्टर है वो पढ़ा था, जिसमें हमने क्लाइमेट एंड वेदर का डिफरेंस पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया के क्लाइमेट कैसी है। इंडिया की क्लाइमेट है दैट इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया की। मानसून अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सीजन, यानी कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। पर्टिकुलर सीजन पर विंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, दैट इज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज कॉल्ड द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, सो इंडियाज क्लाइमेट रेफर्स एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि इंडिया है वो साउदर्न एशिया में है, सो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया है वहां पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। सो इसलिए इंडिया में भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। देयर आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। बट ऐसा नहीं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो हर जगह टेम्परेचर है एंड रेनफॉल है वो सेम रहेगी। उनमें हमें बहुत सारा वेरिएशन, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ओके, यानी कि टेम्परेचर जितना राजस्थान में है उतना केरला में नहीं होगा, जितना दिल्ली में उतना मुंबई में नहीं होगा, जितनी बारिश मुंबई में होती है उतनी दिल्ली में नहीं होती है। सो दीज आर द रीजनल वेरिएशन। उसके लिए एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, दैट इज इफ यू आर टेकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान, ठीक है, और हम यहाँ पर समर की बात कर रहे हैं कि समर सीजन में राजस्थान में जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके, यानी कि बहुत ज्यादा सनलाइट होती है एंड जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि अगर हम पहलगाम की बात करें, कश्मीर में है पहलगाम, हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, पहलगाम है वो कश्मीर में है, वहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अभी रीजनल वेरिएशन ही तो हुई कि एक जगह पर तो टेम्परेचर इतना है कि सर्दियों में जो दिन का टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर इतना 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, अभी जितनी गर्मी पड़ रही है उससे भी बहुत ज्यादा गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मरकरी पहुंच गया है राजस्थान में। सो ये वेरिएशन है रीजनल वेरिएशन। और अगर हम विंटर की रीजनल वेरिएशन की बात करें, सो द्रास दैट इज इन जम्मू, जम्मू में द्रास है, वहां का जो टेम्परेचर है विंटर्स में -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब माइनस में मतलब सब कुछ फ्रीज हो गया, स्नोफॉल हो रही है और सब कुछ जम गया है, -45 डिग्री सेल्सियस द्रास में, जम्मू में। जबकि अगर हम बात करें केरला की, केरला में इसी टाइम पर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। दिस इज द रीजनल वेरिएशन कि एक जगह पर जितना टेम्परेचर है उतना दूसरी जगह पर नहीं है, बहुत सारा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो हम कह सकते हैं टेम्परेचर्स को देखकर के रीजनल वेरिएशन है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, एक जैसी क्लाइमेट जरूर है लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि वेदर तो डिफरेंट हो सकता है, सीजन तो डिफरेंट हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, रेनफॉल डिफरेंट हो सकती है। ओके, बट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी हम आगे पढ़ेंगे मॉनसून टाइप क्यों कहते हैं। सो अगर हम रीजनल वेरिएशन की बात करते हैं, डे एंड नाइट के टेम्परेचर, एक ही जगह के डे एंड नाइट के टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है। मीन्स अगर हम राजस्थान की बात करें, जो कि कोस्टल एरिया से, जो कि वाटर बॉडी से बहुत दूर है, वहां पे डे एंड नाइट के टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस मिलेगी। जो विंटर्स है उनमें बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, जबकि जो समर है उसमें टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। जबकि जो कोस्टल रीजन है उनमें डे एंड नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब केरला की बात करें, अंडमान एंड निकोबार की बात करें, सो वहां पे डे एंड नाइट का टेम्परेचर लगभग इक्वल रहता है। अब इसके पीछे रीजन क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हम एक बॉल लेते हैं सैंड की एंड एक बॉल लेते हैं वाटर की, सो इनमें से कौन सी बॉल है वो जल्दी से गर्म होगी, मतलब जो सैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वाटर एंड जल्दी ही कूल डाउन हो जाएगा। सो डे के टाइम पर राजस्थान में डे के टाइम पर टेम्परेचर वो बढ़ गया है, लेकिन जैसे जैसे नाइट हो गई तो जो हीट है वो रिलीज होने लग गई एंड उसके बाद में ही कूल भी हो गया उतनी ही। तो मतलब डे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, नाइट का टेम्परेचर बहुत कम। सो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, ड्यूरेनल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, ड्यूरेनल टेम्परेचर मतलब डे एंड नाइट के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है। वैसे अगर हम वाटर की बात करें, जो एरिया वाटर बॉडी क्या, केरला की बात करते हैं, केरला है वो सी के पास में है, सो डे का टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होता है एंड उसके बाद में धीरे ही कूल डाउन होता है। तो डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा डिफरेंस
नहीं होगा। सो ड्यूरेनल रेंज है वो टेम्परेचर की, वो कहाँ पर ज्यादा होगी? सैंड। जो लैंड एरिया सी के पास में नहीं है, वाटर बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं है, वहां पर ड्यूरेनल टेम्परेचर रेंज है, जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, सो ये रीजन है कि जो वाटर बॉडीज के आसपास के एरिया वहां पर नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, जबकि जो वाटर बॉडी से दूर के एरियाज है, जो इंटरनल पार्ट में दिल्ली की अगर हम बात करें, वहां पर भी डे एंड नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड जो विंटर होंगे वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पर होंगे, और जो समर है वो भी एक्सट्रीम पर होंगे। ओके, सो वेरिएशन अभी हमने टेम्परेचर में देखी थी, वेरिएशन हमें रेनफॉल में भी देखने को मिलती है। ओके, प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, जैसे टेम्परेचर में हमने वेरिएशन देखी थी। वेरिएशन कैसे मिलती है? मीन्स जो हायर एल्टीट्यूड है, जैसे हिमालयस, यहां पर स्नोफॉल होती है। ओके, जबकि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वहां पर क्या होती है? रेनफॉल होती है। तो ये डिफरेंस है कि वहां पर स्नोफॉल क्यों हो रही है, क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पर है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। सो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। सो टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या होती है? स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट, मेघालय, मेघालय रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअल, जो रेनफॉल है मेघालय में वो 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। ओके, सो मेघालय में चेरापूंजी है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अब उसके पहले चेरापूंजी हम उसको बोलते थे, अब चेरापूंजी के पास में एक जगह है मौसिन रब, वहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का वेटेस्ट पार्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। ओके, दैट इज मौसिन रब। सो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो रही है, हिमालय रीजन में स्नोफॉल हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न राजस्थान दैट इज द पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, वेस्टर्न राजस्थान एंड लद्दाख, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख रीजन है दैट इज कोल्ड डेजर्ट उसे बोला जाता है, लद्दाख, ये रिसीव करते हैं 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इनकी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर एनुअल रेनफॉल है 10 सेंटीमीटर से भी कम है। सो ये वेरिएशन ये कि कहीं पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है। एंड इंडिया में अगर हम बात करें कि रेनफॉल सबसे ज्यादा जून टू सेप्टेम्बर को हम रेनफॉल सीजन बोलते हैं, और इट में भी अगस्त भी है कई जगह पर। सो इट्स, ये डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन में, कौन सी जगह पर वो पर्टिकुलर प्लेस है। सो हम डिसाइड करते हैं कि रेनफॉल कब से कब तक होती है। इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट, ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की तरफ आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स मीन मिजोरम, आसाम, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार, देन यूपी, देन पंजाब, देन हरियाणा। तो ऐसे जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होंगे तो जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे ऐसा क्यों है, बट आपको हमें ये बताना है कि रीजनल वेरिएशन है रेनफॉल में भी। सो रेनफॉल है वो ईस्टर्न एरिया में ज्यादा होती है, जबकि जो वेस्टर्न के प्लेन एरियाज है वहां पर रेनफॉल कम है इन कंपैरिजन। रेनफॉल का जो टाइम है दैट इज जून टू सेप्टेम्बर इन इंडिया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी है इंडिया में जहां पर रेनफॉल अक्टूबर एंड नवंबर में भी होती है। सो तमिलनाडु का कोस्ट, तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो विंटर सीजन में होती है। ओके, एंड एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इनकी वजह से विंटर में रेनफॉल पंजाब एंड हरियाणा में भी होती है, और वी कैन से दैट नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में सर्दियों में बारिश होती है, जबकि तमिलनाडु के कोस्ट में अक्टूबर एंड नवंबर में रेनफॉल होती है। जनरली अगर हम इंटीरियर की बात करें, इंडिया के इंटीरियर में जो रेनफॉल है वो कब से कब तक होती है? जून टू सेप्टेम्बर होती है। सो दीज आर द रीजनल वेरिएशन इन द रेनफॉल, कि रेनफॉल है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, एंड इवन जो उनका ड्यूरेशन है, उनका जो टाइम पीरियड है रेनफॉल का, वो भी डिफरेंट है। ओके, देयर आर सम फैक्टर दैट कंट्रोल द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। सो हम इनको रीड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इंडियाज लोकेशन एंड साइज में। लैटिट्यूड मीन्स जो लेटी हुई लाइन है, इमेजिनरी लाइन्स हमने जो ड्रॉ करी है अर्थ के ग्लोब पर।
सो दिस इज जीरो डिग्री इक्वेटर, ये इक्वेटर है एंड उसके बाद में 1, 2 एंड 3 लाइक लेटिव लाइन एंड यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 90 डिग्री साउथ. ओके सो लैटिट्यूड इज लाइक दैट, यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड है. अब जो हमारी अर्थ है, एक तो वो कर्व है, कर्व शेप में है, दूसरा इट इज टिल्टेड स्लाइटली, ये थोड़ी सी 66 डिग्री एंगल पर थोड़ी सी टिल्ट है, जिसकी वजह से जो सनरेज है वो 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, जबकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे ये स्लैंड हो जाती है, टिल्ट हो जाती है. जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये स्लैंटिंग होती हुई चली जाती है. अब आप बताएंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर पर ज्यादा सनलाइट यहाँ पर मिलेगी या फिर पोल्स पर मिलेगी. ऑब्वियसली ज्यादा सनलाइट है वो इक्वेटर पर मिल रही है. सो जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगी, जबकि यहाँ पर टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड यहाँ पर फ्रिज, यहाँ पर स्नोफॉल होगी एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कूल होगा. कहाँ पर, कहाँ की बात कर रहे हैं, पोल्स की बात कर रहे हैं. क्यों है यहाँ पर कूल टेम्परेचर, क्योंकि जो सन रेज है वो यहाँ पर स्लैंटिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर है वो कूल रहेगा, जबकि इक्वेटर पर सीधी सनलाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से जो इक्वेटर है वहां का जो क्लाइमेट है वो वार्म होगा. ओके सो यही है लैटिट्यूड. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, जबकि जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है इट टोटली डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड. जो लैटिट्यूड के 0 डिग्री इक्वेटर के पास के एरिया है यहाँ पर वार्म क्लाइमेट मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट एंड उसके बाद में जो पोल्स है वहां पर कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा. ओके सो दिस इज हाउ द लैटिट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. सेकेंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. सो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही है कि अगर हम देखें कि इंडिया में हिमालयन माउंटेन है या कोई भी आप हिल स्टेशन पर जाते हैं, सो वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, कूल होता है वहां पर क्लाइमेट. उसके पीछे रीजन यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा. ओके 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा. दैट्स वाई एल्टीट्यूड ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट. एल्टीट्यूड है वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है. ओके नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम. प्रेशर एंड विंड सिस्टम वो क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मीन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है. आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट को. सो यहाँ पर जो प्रेशर की बात हो रही है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर प्रेशर. सो इनके बीच में क्या रिलेशन है, बहुत ही सिंपल, आप एक बार समझिएगा तो चलेगा कि कैसे इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पे. सो वन थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर. ओके एंड द सेकेंड सिस्टम इज एयर प्रेशर. ओके सो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा, एयर का प्रेशर वहां पर कम हो जाता है. टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है. ओके एंड इसका वाइस वर्सा, जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है. ओके सो यहां पर एक बार ध्यान से देखना, सपोज यहां पर टेम्परेचर है वो ज्यादा है सो एयर का प्रेशर यहां पर कम है. ओके एंड यहां पर टेम्परेचर कम है सो एयर का प्रेशर यहां पर ज्यादा है. हमेशा जो हवाएं हैं, हमेशा जो विंड है एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर की ओर मूव होती है. ज्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर वाले एरियाज में चलती है हमेशा विंड्स. ओके सो ये रिलेशन है, इसकी वजह से जो क्लाइमेट है उस पर इम्पैक्ट है कि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा, आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को कि गर्मियां जब बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, एयर का प्रेशर कम हो गया, मतलब हम कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो हो सकता है उस दिन जो स्टॉर्म आते हैं उस दिन डस्टी स्टॉर्म आते हैं, धूल भरी आंधी आती है. ओके सो वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर एयर का प्रेशर कम हो गया है. अब जहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा है वहां से तेज हवाएं चलती हैं, कहां की किधर की तरफ, जहां पर एयर प्रेशर कम है. ओके सो ये अगर हवाएं आएंगी तो वो अपने साथ में मे बी मॉइस्चर लेके आएंगी और मे बी वहां पर रेनफॉल होगी, तो उसके बाद में यहाँ का टेम्परेचर वो डिक्रीज होने लग जाएगा, तो क्लाइमेट पर असर पड़ेगा. सो विंड अगर चल रही है तो क्लाइमेट को डेफिनेटली
इम्पैक्ट करेगी, तो वो विंड कैसे चलेंगी? एयर प्रेशर की वजह से. सो विंड सिस्टम एंड एयर प्रेशर वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, मीन्स जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर एयर का प्रेशर कम है. सो जो विंड है वो हमेशा कहां से? ज्यादा एयर प्रेशर वाले एरिया से कम एयर प्रेशर वाले, लो प्रेशर एरिया वाले, जो लो प्रेशर लो एयर प्रेशर वाले एरियाज में आती है विंड्स. सो इससे भी जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है. ओके, सो आज हमने क्लाइमेट कंट्रोल के लैटिट्यूड कैसे, जो इक्वेटर के पास की लैटिट्यूड है वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता हुआ चला जाएगा. एल्टीट्यूड में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारे सरफेस से, यानी कि 165 मीटर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो गया. तो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर है वो कम होता हुआ चला जाएगा इन कंपेरिजन टू सरफेस एरिया. एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि विंड की जो डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करता है? वो एयर का प्रेशर. तो विंड हमेशा है वो हायर एयर प्रेशर टू लोअर एयर प्रेशर की तरफ मूव होती है, सो उससे क्लाइमेट चेंज होता है. ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आएंगे कंट्रोल. हमने आज हम 3 ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 हम वी विल डिस्कस इट टुमारो. सो रीड दीज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जिससे कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो रीजनल वेरिएशन हमने पढ़ी किसमें? टेम्परेचर में एंड रेनफॉल में. एंड जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट आर द कंट्रोल अफेक्टिंग द क्लाइमेट. कौन कौन से कंट्रोल है जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को? उसमें हमने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड विंड सिस्टम एंड एयर प्रेशर है. सो डू योर वर्क रेगुलरली, रीड द चैप्टर एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. ओके, सो कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज. बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे.